नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बात करते हैं स्पोर्ट्स जगत की प्रमुख पांच खबरों के बारे में। पहली खबर है, साउथ अफ्रीका दौरे पर भारत नहीं खेलेगा टी20 सीरीज। बृजेश पटेल फिर चुने गए आईपीएल के चेयरमैन। जी हां, बीसीसीआई की 90वीं एजीएम कोलकाता में हुई, जिसमें बड़ा फैसला भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे को लेकर हुआ है। बीसीसीआई के पदाधिकारी दौरे पर टीम को भेजने के लिए सहमत हैं, लेकिन चार मैचों की टी20 सीरीज को स्थगित कर दिया गया है। अन्य बड़े फैसलों में बृजेश पटेल को फिर से आईपीएल का अध्यक्ष चुना गया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह पहले पुष्टि कर चुके हैं कि टीम इस दौरे पर जाएगी और तीन टेस्ट और तीन वनडे मैच की सीरीज खेलेगी, जबकि टी20 सीरीज स्थगित कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय टीम 26 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका में सीरीज खेलेगी। तीन टेस्ट और तीन वनडे होंगे, बाद में होगी टी20 सीरीज। जी हां, आपको बता दें कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर होने वाली टी20 सीरीज को टाल दिया है। सीरीज के कार्यक्रम में भी बदलाव हुआ है। अब 17 की जगह 26 दिसंबर को पहला मैच खेला जाएगा। बीसीसीआई एजीएम की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया है और हम आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार ये जानकारी मिली है कि बीसीसीआई ने दौरे को कम से कम 7 दिन के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एजाज पटेल ने पारी में 10 विकेट लिए तो रविचंद्र अश्विन ने खड़े होकर बजाई ताली। रवि शास्त्री से लेकर हरभजन सिंह तक ने की तारीफ। जी हम आपको बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच में दूसरे दिन टीम इंडिया 109/5 ओवर में 325 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने दूसरे टेस्ट मैच में इतिहास रच डाला। एजाज ने भारत की पारी के सभी 10 विकेट झटके हैं। उनकी इस उपलब्धि पर टीम इंडिया के स्पिनर रविचंद्र अश्विन स्टैंड में खड़े होकर ताली बजाते हुए दिखाई दिए और उसी के साथ सोशल मीडिया पर एजाज की तारीफ भी रवि शास्त्री और हरभजन सिंह सहित अन्य दिग्गज कर रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनिल कुंबले और जिम लेकर के बाद पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने एजाज पटेल। जी हां, भारत के खिलाफ 50 साल पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ा। हम आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इतिहास रच दिया है। मुंबई में ही पैदा हुए एजाज ने भारत की पहली पारी में सिर्फ सभी जो है 10 विकेट अपने नाम किए हैं। वे न्यूजीलैंड के लिए एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो एजाज अब अनिल कुंबले और जिम लेकर के क्लब में शामिल हो गए हैं। वे कुंबले को लेकर के बाद एक पारी में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टेस्ट में भारत के नए उपकप्तान बनेंगे रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे की लेंगे जगह, जल्द होगी घोषणा। जी हम आपको बता दें, भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे अपने फॉर्म को लेकर चौतरफा आलोचना झेल रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई में चल रहे दूसरे टेस्ट में अजिंक्य रहाणे को बाहर कर दिया गया है। हालांकि इसके पीछे बीसीसीआई ने चोट को कारण बताया है। अब बीसीसीआई आगामी दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए अजिंक्य रहाणे की जगह किसी और को टेस्ट टीम का उपकप्तान चुना जा सकता है। तो स्पोर्ट जगत में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।